रमशबे भी? वो तबस्सुम मामूजान का कमरा नहीं साफ किया आज। किसकी कमरे की सफाई रमशबे भी? मामूजान के कमरे की। मेरी बात सुने आप दोनों, आज से रोजाना मामूजान की कमरे की सफाई होगी। जो चीज जहां रखी है वो चीज वहीं पे रखी रहेगी। और बशीर भाई, आप हर एक चीज की रोजाना सफाई करेंगे, डस्टिंग करेंगे। ये कमरा जैसे पहले था ना, कुल वैसे ही रहेगा। इस चीज का ख्याल आप दोनों ने रखा। जी बेटा। जी ठीक है। इसकी वजह से मेरा भाई मुझे छोड़ के चला गया। मैं इसको छोड़ूंगी नहीं। पापा प्लीज, सब देख रहे हैं यहाँ पर, तुम तमाशा लगा रही है। मेरा बस नहीं चल रहा है ना, मैं इसको पुलिस के हवाले कर दूं। अरे ये तो मेरा जर्फ है कि मैं से कुछ भी नहीं कह रही हूँ। अफरान, तुम कैसे अपने वाल के कातिल को इस घर में बर्दाश्त करोगे, मुझे बताओ। इसको निकालो इस घर से। होश में आइए। आप ये सब करके डैड की रूह को भी सुकून नहीं पहुंचा रही, उन्हें तकलीफ दे रही। क्या कर रही हो मेरे डैड के रूम में? अम्मचान की याद आ रही थी, इसलिए यहाँ पे आ गए। डैड याद आ रहे? भूल गई हो क्या? कि आज अगर मेरा जीता जागता बाप इस दुनिया में नहीं है तो सिर्फ तुम्हारी वजह से। तुम्हारी वजह से हुआ है ये सब। मैं देखता हूँ तो मेरी आंखों में खून उतर आता है। ऐसे लगता है जैसे मेरी बाप की कातिल खड़ी है। दिल चाहता है तुम्हें मार दूं। मैं उतनी अजीत पूछती पल पल मेरे बाप को दी और इस दुनिया से भेज दी। गला दबा के तुम्हारी जान लेने का दिल चाहता है मेरा। ठीक है ना, दबा दे मेरा गला, ले मेरी जान, ताकि इससे आपकी भी अजियत खत्म हो और मेरी भी अजियत। क्योंकि आपके ये अल्फाज मुझे पल पल मार रहे हैं अफनान। आप एक ही दफा मुझे खत्म कर दे ताकि मैं भी सुकून में आऊं और आप भी सुकून में आ जाए। मार दे मुझे, मारे अफनान। रमशा को तुम्हारे सुपुर्द कर रहा हूं बेटा। बच्ची के मामले में अल्लाह से डरना। अगर खुदा खास्ता हमसे कुछ हुआ, क्या कुछ चली जाओ यहां से, चली जाओ। मुझे डर है कि कहीं इस गुस्से में मेरे हाथों से कुछ ऐसा ना हो जाए जिसके बाद में एक दफा फिर मुझे पछताना होगा। काश काश कि आप ऐसा कर पाते। अगर अफसोस हर दफा की तरह इस दफा भी आप बहुत देर कर देंगे। साया वे साया वे, क्या जाने क्यों मैंने अखियां लगाया वे, करना क्या औरों से गिला, धोखा मुझे यार से मेरा।
बात सुनो, इस वक्त अफगान घर पर नहीं है, बेहतर यह है कि तुम इस घर को छोड़कर चली जाओ। अगर तुम नहीं गई ना तो मैं तुम्हारा हाथ पकड़कर इस घर से धक्के देके तुम्हें बाहर निकालूंगी। और यकीन करो, इस घर में मुझे कोई रोकने टोकने वाला है नहीं। आप मुझे क्या इस घर से निकालेंगी? मैं खुद ये घर छोड़ के जा रही हूँ, सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि आप चाहते हैं कि मैं यहाँ से चली जाऊं, बल्कि इसलिए क्योंकि मैं इस घर में नहीं रहना चाहती। आवाज नीची करके बात करो मुझसे। तुम शायद भूल रही हो कि तुम्हारी इस घर में औकात क्या है। शायद आप ये बात भूल रही हैं कि अगर मैंने सबके सामने सच बता दिया ना और सबको आपकी औकात बता दी तो इस घर में आपकी औकात सिर्फ 2% की रह जाएगी। रमशा, अपनी ज़बान और अपने हाथ को काबू में रखिए। वरना मैं ये भूल जाऊंगी कि आप मेरे मोहसिन की बहन हैं। अगर आज मैं आपका लिहाज कर रही हूं तो सिर्फ और सिर्फ मामू जान की वजह से, वरना आप इस काबिल नहीं कि आपका लिहाज किया जाए। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी इस लड़की की अकड़ नहीं निकली। इसकी हिम्मत कैसे हुई आपसे बदतमीजी करने की? छोड़ूंगी नहीं मैं इसे। सुनो, छोड़ दो अभी फिलहाल। वो वैसे भी आज जा रही है और मैं नहीं चाहती हूं अलीजे उसके जाने से पहले कोई तमाशा। आ गई, वेरी गुड। अच्छा है कि तुम इस घर से खुद जा रही हो। वरना तुम्हें हाथ पकड़ के निकालते तो मजीद जिल्लत महसूस होती। जिल्लत तो अब तुम महसूस करोगे और वो भी बहुत जल्द।